ओम नमः शिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार मृगशिरा नक्षत्र दिन भर लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, चंचल, उत्साही, बुद्धिमान और धनी होते हैं। ऐसे जातक हाजिर जवाबी, चौकन्ना रहने वाले और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ये द्विअर्थी बातें बोलने वाले, परिस्थितियों के अनुसार समझौता करने वाले, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व करने की क्षमता वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज सुबह 10 बजे तक वृष राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज शुक्र अपनी राशि बदल चुके हैं, मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो कि इनकी अपनी राशि है। दैनिक जीवन में शुक्र के वृष राशि में आने से हर जातकों पर इसके कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ेगा। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद कुंभ राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुने, नोट कर लें और उस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों की धन संबंधी मामले में पहले से बेहतर स्थिति होती जाएगी, क्योंकि धन भाव के कारक शुक्र दूसरे भाव में आ गए हैं। वाणी का परिष्करण होगा और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। आपके प्रयासों में वृद्धि होगी और व्यवसाय की योजनाएं फलीभूत होंगी। साझेदारी और नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल है। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। वृष राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा और पहले की चली आ रही दिक्कतों में कमी आएगी। शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सृजनात्मक भूमिका बढ़ेगी और विस्तार होगा, मगर आज सीधा सीधा बोलने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों से सहयोग में कुछ कमी महसूस हो सकती है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, मित्रों से लाभ व सहयोग जारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और परिवार में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए विरोधात्मक रवैया कायम रहेगा। आपकी दिनचर्या अनावश्यक खर्च और भाग दौड़ से प्रारंभ होगी, मगर कुछ समय बाद स्थिरता का माहौल कायम हो जाएगा। घर गृहस्थी और सजनों पर निवेश की स्थिति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। हालांकि व्यावसायिक प्रेरणा जारी रहेगी और कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आय की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए हर काम करने के प्रति उत्साह बना रहेगा और कार्य क्षेत्र के विस्तार की मानसिकता में वृद्धि होगी। सरकारी विभाग से सहयोग मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी, मगर संतान संबंधी मामलों में मानसिक दबाव बना रहेगा और संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, परिश्रम में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के लिए दशम भाव में शुक्र का स्वराशिस्थ होना कार्य क्षेत्र के प्रति स्थायित्व और निरंतर विकास का संकेत देता है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग और उसके प्रति होने वाले प्रयासों में अधिकारियों की प्रेरणा व शासन सत्ता का सहयोग भी शामिल रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति अभी सामान्य रहेगी और आपका चेष्टा बल हर काम के प्रति सक्रिय रहेगा। साथ ही साथ चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना आपके शुभत्व में और वृद्धि करेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति सुदृढ़ होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, पूरे उत्साह से प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में चली जा रही रुकावटें खत्म होंगी
और हर काम में सहूलियत महसूस होगी। शुक्र का वृष राशि में गोचर करना आपके लिए कार्य क्षेत्र के मार्ग को निष्कंटक बनाएगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नए व्यावसायिक योजनाओं में प्रगति होगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना पड़ेगा। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे और व्यवसाय की यात्रा के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। आपके राशि स्वामी आठवें घर में चल रहे हैं और चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत देता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और विकास की गति बनी रहेगी, मगर आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और परिश्रम सार्थक होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृष राशि में आना लाभदायक कारकों में माना जाएगा। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पहले की चली आ रही परेशानियां कम होंगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और नए प्रस्ताव सामने आएंगे। आय संबंधी मामलों में सुधार होगा और यात्रा का योग बनता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता आज लगी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। शुक्र का छठे भाव में बैठना और चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत देता है। आय संबंधी मामलों में आर्थिक संकट की स्थिति संभावित है। हालांकि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल विश्वास कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटों को कम करने में सक्षम होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, मगर अपने संसाधनों पर खर्च को नियंत्रित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नई ऊर्जा का एहसास होगा। पहले की चली आ रही पेट संबंधित दिक्कतों में सुधार होगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। शुक्र का पांचवें भाव में बैठना आपके लिए हर प्रकार से लाभदायक सिद्ध होगा। चंद्रमा आज आपकी राशि से छठवें भाव में मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। आत्मसंतुष्टि में थोड़ी कमी और पारिवारिक चिंता की मनोवृत्ति संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपकी दक्षता बढ़ेगी और सम्मान के पात्र बनेंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। कुंभ राशि के जातक पारिवारिक सुख संतुष्टि और सुकून महसूस करेंगे। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और निजी निवेश के प्रस्ताव सामने आएंगे। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बनी रहेगी। भूमि और वाहन लेने का योग भी जारी है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक लाभ भाग्यवश अच्छा होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर सफलता संभावित है। मीन राशि के जातकों के लिए रचनात्मक प्रयासों में सुधार होगा और कार्य क्षेत्र के विस्तार में मन लगेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग और पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्य योजनाओं में आपके प्रयास सार्थक होंगे और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, निरंतर अभ्यास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के व्यक्तियों को अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए ये उपाय करने चाहिए। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति है, तो पीपल के वृक्ष के समीप तेल का दीपक शनिवार के दिन जलाना चाहिए।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं तो जमीन में सुरमा दबाना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 4 शनिवार को सायंकाल करना चाहिए। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हैं तो अपने सोने वाले पलंग के चारों पायों में तांबे की कीलें ठोकनी चाहिए और भूमि पर नहीं सोना चाहिए। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा है तो जिस व्यक्ति से धन प्राप्त होना है उसका नाम पीपल के पत्ते पर गोरोचन से लिखकर बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। शेयर इत्यादि में अकस्मात धन लाभ के लिए मिट्टी का नया और खाली घड़ा भूमि में दबा देना चाहिए। यह प्रयोग बुधवार के दिन करना चाहिए। संतान संबंधी समस्याओं के लिए बहन बेटियों को हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए प्रातःकाल कड़वा तेल पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। वट वृक्ष की जड़ को शयन कक्ष में रखने से भी दाम्पत्य सुख में मधुरता बनी रहती है। मनोकामना पूर्ति के लिए केसर का तिलक नाभि पर लगाना चाहिए तथा धर्म स्थल के सम्मुख शीश झुकाकर निकलना चाहिए। जीवन में अकस्मात उन्नति के लिए वर्षा के जल को घर में संचित करके रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।